Today we will start new exercise 5.3 based on sum of terms. ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 किस में बेस्ड है? टर्म्स के सम में, कैसे टर्म्स का सम निकालना है. पहले तब 5.2 बेस्ड थी वो फाइंड दी टर्म. आपको कैसे टर्म निकालनी है किसी भी एपी की, उसके टर्म निकालने की टर्म की वैल्यू. और 5.3 में हम निकालेंगे किसी भी एपी की, एपी में जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना. ठीक है, सम के दो फॉर्मूला होते हैं. जनरल फॉर्मूला आपका ये है SN, एस फॉर सम, एन जिस टर्म की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो एन बाई टू इक्वल टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, और एक है आपका SN इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन. ये तब यूज़ करते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो, तब हम याला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है, और जनरल में हम याला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs. फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12, 10 टर्म्स. क्या बोल रहे हैं? आपको इस गिवन एपी का सम निकालना है कहाँ तक? 10 टर्म्स तक का. आपको कुल 3 टर्म दे रखी है, ऐसे 7 टर्म और उन, तो 1 से लेके 10 टर्म का सम निकालना है. जैसे आपको मैं बोला आपकी क्लास फ्रॉम फर्स्ट रोल नंबर टू 10th रोल नंबर के जो मार्क्स हैं उनका सम निकालो मैथ्स में. जैसे फर्स्ट रोल नंबर के मार्क्स 40 हैं, सेकेंड के 50 हैं, थर्ड के 67, ऐसे रोल नंबर 10 तक के सारे बच्चों के मार्क्स मैथ्स का कितना सम आएगा. ठीक है, वो निकालना है. तो ए पी एम में दे रखी है 2, 7, 12, 10 टर्म्स. कहाँ तक का सम निकालना है? 10 टर्म्स तक का. 3 हमें दे रखी है, आगे 4 टर्म आएगी, 4 टर्म की कोई वैल्यू आएगी, फिर 5 टर्म्स की वैल्यू, कुछ ऐसे 10 तक. ठीक, तो ए हमारा 2 हो गया, डी हमारा a2 - a1, तो d7 - 2 - 5, और एन कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10 का. तो एन क्या हो जाएगा हमारा? 10. तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d. ठीक है, तो s टर्म किसका निकालना है, कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10. तो s 10 आ जाएगा इक्वल टू n के ज़्यादा है ना वहाँ पे रखो 10 बाई 2 फिर ब्रैकेट 2 a के बदले 2 प्लस n 10 माइनस 1 और d के बदले 5. तो 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 10 माइनस 1 9, 9 5 ज़ा 45. ठीक है, तो ये 5 आ गया, ब्रैकेट में 45 प्लस 4 49 और 5 ये, तो 5 × 49 = 245. सो द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 245. तो पहले 10 जो टर्म है उनका जो सम निकालोगे वो कितना आएगा? 245. ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट. सेकंड में ए पी तरीके आपको -37, -33, -29 - 12 टर्म्स. इस में आपको 12 टर्म्स का सम निकालना है. मीन्स पहले जो 12 स्टूडेंट होंगे उनके जो मार्क्स होंगे मैथ्स में उनका टोटल सम कितना आएगा वो निकालना है. समझ लो ऐसे, तो ए हमारा है -37, डी a2 - a1, तो a1 a2 - फिर a1, तो -33 - 1 प्लस, तो -33 + 37 + 4. ठीक है, और n है हमारा 12. कहाँ कितने टर्म्स का सम निकालना है? 12 का. तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d. तो s 12, क्योंकि 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो जो भी जितना n हो जितने टर्म के बारे में पूछा होगा तो n के बदले वो नंबर रखोगे. एस 12 इक्वल टू 12 बाई 2 ब्रैकेट 2 a कितना हमारा -37 प्लस n 12 - 1 और d 4 6 2 × -37 - 74 2 - 1 = 11 × 4 = 44. तो -74 और प्लस 44 देगा आपको माइनस का 30 और इंटू 6 × -30 - 80. सो द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज -80. न पार्ट थर्ड 0.6, 1.7, 2.8 - 100 टर्म्स. आपको भी देखिए और आपका सम निकालना है 100 टर्म्स का. ठीक है, 3 टर्म आपको देखिए, इसके आगे और कितनी टर्म्स आएगी? 97. तो 3 + 97 100 टर्म्स हो गई. उन टोटल टर्म्स का आपको सम निकालना है. तो ए आपका हमारा 0.6 है, डी a2 - a1 1.7 - 0.6 1.1, और एन हमारा कितना बता रहा है, कितने टर्म्स का कैलकुलेट सम कैलकुलेट करना है? 100. तो एन क्या हो गया हमारा? 100. तो एस 100 इक्वल टू एन बाई टू, तो एन के बदले 100 बाई 2, फिर 2 ए इज हमारा 0.6 प्लस एन माइनस 1 एन 100 - 1 और डी 1.1 50 2 × 0.6 1.2 100 - 1 99 × 1.1 तो 1.2 ऐसे 99 × 1.1 देगा आपको 108.9 और ऐड करके दे देगा आपको ये
110.1. 110.1 into 50, your answer will be 5505. So the sum of first 100 terms is 5505. The fourth part, AP आपको दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10, that is to 11 terms. Now you have to calculate the sum of first 11 terms. ठीक है, पहले 11 terms का sum निकालना है. तीन term आपको दे रखी है, सात और term होगी, उन सेवन प्लस नहीं एट और होगी, 8 + 3 11, तो 11 terms का वो sum निकालना है. आपको कुल तीन दे रखी है, तो आपको कितना का निकालना है, 11 का. ठीक है, तो A 1/15, D A2 - A1, तो 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लेके कितना आएगा 60, ऊपर आएगा 5 माइनस 4 तो आ जाएगा आपका 1/60, डी आपका आ गया 1/60. एन कितने टर्म्स का सम निकालना है, 11, तो एन के बदले 11, तो एस 11 इक्वल टू एन बाय टू, एन 11/2, 2a 2 और a 1/15 प्लस एन माइनस 1, एन हमारा 11 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 1/60. 11/2 ऐसे 2 × 1/15, 2/15, 10 - 1, 11 - 1, 10, 10/60, 0 से 0 कैंसिल, 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना आएगा 4, फिर प्लस 30 को डिवाइड करोगे 6 से कितना आएगा 5, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 5 × 1 = 5, तो ऊपर आएगा आपका 4 + 5 = 9, 9/30 × 11/2, तो 9/30 × 11/2, ठीक है, 3 3 जा और 3 10 जा, तो 3 11 जा 33 और 10 2 जा 20, तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज 33/20. नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो. आपको जो गिवन एपी इसका सम निकालना है, क्या आपको 7 + 10 1/2 = 14 - 284. इस वाले में आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम सम का कौन सा फॉर्म लाएंगे, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला, ठीक है, लेकिन आपको इसमें एन गिवन नहीं है. जैसे पहले क्वेश्चन था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, उसमें आपको एन बता रखा था कि कितने टर्म्स का सम निकालना, लेकिन इसमें आपको एन नहीं है. पहले आप एन कैलकुलेट करोगे फिर आप सम निकालोगे, तो बस इसमें कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी होगी 7, लास्ट टर्म हमारी 84, डी A2 - A1, तो 10 to the 20, 21 + 1 = 21/2 - 7, तो A2 - A1 आपका एलसीएम लेके सब कुछ कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा आपका 7/2. ठीक है, डी आ गया जाएगा आपका 7/2. एन हमें हमारे लिए अननोन है, तो पहले हम एल निकालेंगे. अब हमें एल टर्म दे रही है, लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डी हमें बताया, तो हमें पता है हम एन किससे करेंगे, हमें पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है टर्म निकालने का, एक तो टी एन होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और जब लास्ट टाइम की यूनिट हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एल इज 84, ए इज 7 प्लस एन माइनस वन ऐसी, डी के बदले 7/2, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 84 - 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2. ठीक है, यहाँ बचेगा 77 इक्वल टू यहाँ पे एन माइनस वन ब्रैकेट में और 7/2, 7 से ये 77 कैंसिल, 11 टाइम्स, ऊपर बचा एन माइनस वन अपॉन टू, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 11 से कितना आ जाएगा 22 इक्वल टू एन माइनस वन, ये माइनस का वन इधर आके प्लस का, तो एन आ गया आपका 23. अब हम पे एन पर चल गया, अब हम सम निकालेंगे, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी और लास्ट टर्म गिवन थी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन किस कितने टर्म का सम निकालना है 23, तो एन के बदले 23, तो इक्वल टू एन 23/2, फर्स्ट टर्म इज 7, लास्ट टर्म इज 84, 23/2, 7 + 84 = 91, सो 23 × 91 = 2093/2, सो दिस इज योर सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स. नाउ पास सेकंड, एपी के गिवन हमें 34 + 32 = 30 - 10, तो फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड द लास्ट टर्म इज गिवन, बट एन इज अननोन, ए इज 34, डी A2 - A1, तो 32 - 34 दैट इज -2, लास्ट टर्म इज 10 एंड एन इज अननोन. फर्स्ट फॉर एन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, सो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो लास्ट टर्म के फॉर्मूले जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है उससे हम क्या निकाल देंगे एन की वैल्यू, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट टर्म हमें गिवन है 10, ए हमें गिवन है 34 प्लस एन माइनस वन ऐसी, और डी के बदले -2, 34 जरा क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 - 34
-24 -2 × n -2n - 2 × -1 प्लस का 2। ठीक है, अभी प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -24 और -2 दे देगा आपको -26, इधर बचेगा माइनस का 2n, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो 26 = 2n, 2 से 13 टाइम्स कर जाएगा 26, तो n कितना आ गया 23। अब सम निकालना है तो सम कौन सा फॉर्म लाएंगे, लास्ट टर्म वाला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, तो SN = n/2 = a + l। आपका आंसर जनरल फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, लेकिन इससे इजी पड़ेगा जो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। तो एस कितने कितने टर्म का निकालना है, एन कितना निकला 13, तो एन के बदले 13 = 13/2 a 34 और लास्ट टर्म इज 10, तो 13/2 34 + 10 = 44, 2 × 23, तो 13 × 22 = 286, सो सम ऑफ 13 टर्म्स इज 286। ना लास्ट पार्ट, -5 (-5) + -8 (-11) = -230। आपको इस ए पी का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -5, डी आपको पता है a2 - a1, तो a2 - 8 फिर -a1 - 5, -8 - -+ तो +5, -8 + 5 कर देगा आपको -3। एल हमें गिवन है -230 और एन हमें भी पता नहीं, तो एल हम पहले इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, लास्ट टर्म के फॉर्मूले से, तो l = a + n - 1 d, l = -230 = a - 5 + n - 1 और d = -3। ये तरह के क्या हो जाएगा प्लस का, -230 + 5 = -n - 3 × n - 3n - 3 × -1 + 3। ठीक है, ये बचकर कितना आएगा -225 और ये प्लस का 3, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा आपका माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो -3n = -228, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से फिर 228 कैंसिल करोगे कितना आएगा 76, तो n कितना आ गया आपका 76। तो समझिए हमें सम कितने टर्म्स का निकालना है, 76 टर्म्स का, तो SN = n/2 a + l, तो n के बदले 76 = n 76/2 a - 5 + l - 230, 238 जा, ठीक है, फिर a - 5 + -, 38 × -± + लेकिन साइन किसका माइनस का, तो 235 माइनस का, -235 × 38 -8930, सो द सम ऑफ 76 टर्म्स इज -8930। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्या बोल रहे हैं, कितनी टर्म इस एपी के हम और लेंगे कि हमें सम कितना मिल जाए 636। जैसे अभी हमें कुल अभी क्या दिख रही है 3 टर्म, जिनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 19, ये हो गया 26 और 25, इन तीनों को ऐड करो अभी कितना आ रहा है 51 सम आ रहा। ठीक है, तो ऐसे कितनी और टर्म लेनी पड़ेगी कि सम में कितना मिल जाए 636। अभी कुल 3 टर्म है, 3 टर्म का सम कितना रहा 51, ऐसे और टर्म कितनी लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कि हमें सम कितना मिल जाए उन टर्म का 636। ठीक है, तो ए पी हमें दे रही है 9, 7, 25, ए हमारी कितनी है 9, डी हमारा क्या है a2 - a1, तो 17 - 9 = 8। हमने मान लिया लेट SN = 630, तो मान लिया उस टर्म हमने मान लिया कि समझ लो n टर्म्स का सम कितना दे रहा है आपको 636, समझ लो उस एपी में n टर्म्स है जिनका सम कितना है 636। ठीक है, तो SN = कितना मान लिया हमने 636, अब n जो भी आएगा, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है SN = n/2 2a + n - 1 d, तो SN के बदले 636, n हमें पता नहीं, तो n/2 2a हमारा कितना है 9, तो 2 × 9 + n - 1, ऐसे क्योंकि n हमारे लिए क्या अभी अननोन, और d हमारा कितना है 8। ठीक है, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 636 × 2 = यहाँ बचेगा n, और 2 × 9 = 18 + 8 × n = 8 n - 8 × 1 = 8। ठीक है, अब ये n फिर मल्टीप्लाई होगा अंदर तीनों से, तो ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करके देगा 1272, n ऐसे ये कितना दे देगा 18 - 8 = 10, तो n 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा 10 × n = 10n, यहाँ बचा 8n, n × 8n = 8n2। ठीक है,
अब ये वाली टर्म इधर ये इधर के माइनस हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगी इक्वेशन, 8n² प्लस 10n माइनस 1072 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेते यहाँ से क्या बचेगा 4n², यहाँ पे बचेगा 5n, यहाँ बचेगा 636। अभी 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 636 इंटू 4n मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आएगा। ठीक है, तो ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 4 इंटू 636 आ जाए और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 5n। ठीक है, तो 4n ऐसी 4n² ऐसी कैसा आएगा 53 माइनस 40n, 53n माइनस 48n को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन दो का जो प्रोडक्ट आएगा वो अब मिल जाएगा और प्लस माइनस करके आपको क्या मिल रहा 5n। 53n में से 48 माइनस करो कितना बचेगा 5n, और को मल्टीप्लाई करो तो इन दो का जो प्रोडक्ट आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, माइनस 636, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कुल n कॉमन है तो n कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से एक n गया तो बचा यहाँ पे 1n, फिर प्लस यहाँ पे एक n था तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 53। फिर यहाँ से हमने लिया माइनस का 12 कॉमन, माइनस का 12 कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट 12 टेबल में 48 का बताया 4 और n, ये ब्रैकेट माइनस कॉमन अंदर क्या जाएगा प्लस, और 12 के टेबल में 636 कब आता है 53 टाइम्स। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा 53। अब कॉमन क्या है, तो कॉमन आएगा 4n प्लस 53, यहाँ से भी 4n प्लस 53 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे n, यहाँ से भी 4n प्लस 53 बचेगा, फिर क्या बचेगा माइनस का 12, तो आपके फैक्टर आ गया n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 12 और यहाँ से n की वैल्यू आएगी 53 माइनस 53 बाय 4। नेगेटिव हमारा n नहीं हो सकता ना फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या कर देंगे निगलेक्ट, तो n हमारा क्या है 12। सो दैट देयरफॉर द सम ऑफ 12 टर्म इज 636। सो इस एपी में 12 टर्म्स थी जिनका सम कितना था 636, तीन ये हो गई और 9 टर्म और रही होगी जिनका सम मिला के कितना आ रहा था 636। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहे, एक ए पी है जिसकी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और उसी ए पी की एंड द लास्ट टर्म इज 45, उसके लास्ट टर्म क्या है 45 एंड द सम इज 400, और उन टर्म्स का जो सम है ए पी का वो कितना है 400। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि कितनी उस ए पी में कितनी टर्म्स है, मतलब कितनी टर्म्स का सम 400 है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ए आपको दे रखी है फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म होगी बने 45, एस एन आपको पता है कि कितना है 400, मतलब एस एन एन टर्म्स का सम कितना दे रखा है आपको 400। आपको क्या कैलकुलेट करना है एन की, इस ए पी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम सीधे कौन सा बनाएंगे सम का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला। ठीक है, एस एन कितना दे रखा हमें सम टोटल है कितना 400, एन हमें पता नहीं, एन एस सी टू एस सी, ए हमें पता है 5 और लास्ट टर्म हमें पता है 45। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 2, यहाँ बचेगा एन और 45 प्लस 5 देगा को 50, इस 0 से 1 0 कैंसिल और इस 5 से 40 कैंसिल 8 टाइम्स, तो 8 2 16, तो एन कितना आ गया आपका 16। तो इस एपी में कितनी टर्म्स थी 16 टर्म्स का सम कितना दे रहा है आपको 400। ठीक है, 16 टर्म है ऐसी, उनको ऐड करके जो भी 16 टर्म की वैल्यू होगी, फर्स्ट टर्म की कोई टर्म वैल्यू होगी, जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये है, सेकंड टर्म की वैल्यू समझो 10 आ गई, थर्ड टर्म की, उन सबको ऐड करके कितना दे रहा है सम आपको 400। तो ऐसे कितनी टर्म्स थी 16। ठीक है, अब उन्हें पूछा था हमसे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, एन तो निकाल दिया, अब कॉमन डिफरेंस क्या है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 20, एल हमें पता है 45, ए अभी गिवन हमें 5 प्लस एन हमने निकाल दिया 16 माइनस 1, और डी हमारे लिए अननोन है। ठीक है, एल 45, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 45 माइनस 5 40, और 16 माइनस 1 15, 15 इंटू डी 15 डी, और डी से कैंसिल कर दो, 15 से कैंसिल कर दो 40, और कितना देगा आपको डी 8 बाय 3, तो डी भी आ गया आपका 8 बाय 3। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 एंड 350। आपको एक ए पी की फर्स्ट टर्म दे रखी है और उसकी लास्ट टर्म दे रखी है 350, जैसे पहले क्वेश्चन में था रिस्पेक्टिवली,
इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब इसमें आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। जैसे पहले वाले क्वेश्चन आपको एन गिवन नहीं था और डी गिवन नहीं था, इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको अब एन और सम निकालना है, ठीक है। तो ए हमें गिवन है 17, एल हमें गिवन है 350, डी हमें पता है 9, एन हमें नहीं पता। तो लास्ट टर्म के फॉर्मूले से हम क्या निकाल देंगे, पहले एन, एल हमें पता है 350, लास्ट टर्म ए हमें पता है 17, प्लस एन माइनस वन, ऐसे क्यों हमें एन नहीं पता कि ए पी में कितनी टर्म्स है, और डी हमें पता है 9। 350 माइनस 17 जाके माइनस होगा तो 350 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है 333, और इधर क्या हो जाएगा, ये एन पहले मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 9n, फिर एन किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से तो माइनस वन इंटू 9 माइनस 9, ठीक है। तो 350 माइनस 17 इक्वल टू 9n माइनस 9, ये देगा आपको 333। अभी माइनस का इधर क्या आ जाएगा, प्लस का इधर बचेगा 9n, 333 प्लस 9 देगा आपको 342 इक्वल टू 9n, 9 से कैंसिल कर दो 352 को, कितना आएगा 38, तो n आगे 38, तो इस ए पी में कितनी टर्म्स थी 38। अब इन 38 टर्म्स का हम सम निकालेंगे कि कितना देता है, तो एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्म लाएंगे, सम का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, और कितने टर्म्स का सम निकालना है 38, तो एन के बदले 38, तो एस 38 टर्म्स का सम कितना होगा, एन के बदले 38 बाई टू, ए हमें पता है 17 और लास्ट टर्म हमें पता है 350, टू ये देगा आपको 38 आया तो 2 9 18, ये आएगा आपको 19, ठीक है। और यहाँ पे कितना देगा आपको 367, तो 19 तो 367 देगा आपको 6973, तो 38 टर्म्स का सम कितना दे रहा है आपको 6973, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, पहली 22 टर्म का सम निकालना है आपको एक एपी का, जिसमें कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 7, ठीक है, एंड 22 टर्म इज 149, और उसमें से आपको बता रहा है जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 149, ठीक है। तो आपको सम निकालना है, मतलब एक फर्स्ट रोल नंबर से लेके आपको 22 रोल नंबर तक का जो सबके मैथ्स के मार्क्स हैं उनका सम निकालना है, और उससे मैंने कुल जो लास्ट रोल नंबर 22 उसके मार्क्स बता रखे हैं। तो डी हमें गिवन है 7, टी 22 हमें दे रखा है 149, हमें सम निकालना है इतनी टर्म्स का सम, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, टी एन हमें दे रखा है 22, ए और एन के बदले 22 माइनस वन 21 डी, ठीक है, और टी 22 की वैल्यू हमें दे रखी है 149, जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 149, ठीक है, ए हमें पता नहीं तो ए ऐसे रहेगा, ये कितना दे देगा, वन फोर्टी नाइन 21 इंटू 7, ठीक है, ए ऐसे, डी हमें कितना दे देगा 7, तो 21 इंटू 7 कितना देगा आपको 147, वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा आपका ए, ठीक है। तो 149 माइनस 147 आपको देगा 2, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई 2, ठीक है, ए हमारा आ गया 2, हमें और क्या निकालना है, अब सम निकालना है, तो 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो एस 22 इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, एन के बदले 22 अपॉन टू, टू ए के बदले 2 प्लस एन, कितनी टर्म्स का 22 टर्म्स का, तो एन के बदले 22 माइनस वन, और डी हमारा कितना है 7, तो 2 11 जा 2 2 जा 4, और यहाँ पे बचेगा 21 इंटू 7, ठीक है 11, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 4 प्लस 147 प्लस 4 151 इंटू 11 1661, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम है वो कितना है 1661। तो क्वेश्चन नंबर 8,
if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. क्या बोल रहे, अगर किसी AP में पहली 7 terms का sum, मुझे आज जैसे आपकी क्लास में बोलूँ, पहले 7 roll number का जो marks का sum है वो कितना है, 49, और वैसे ही 17 terms का sum, ठीक है, पहले 17, वैसे 17 लोगों के बच्चों का सम मार्क्स का कितना है, 289. पहले हमने बोला स्टार्टिंग की, आपके सामने टोटल आपकी क्लास में 17 बच्चे हैं, तो मैंने बोला पहले 7 बच्चे जो पहले 7 रोल नंबर हैं उनका सम इतना है मार्क्स का मैथ्स में, और टोटल जो 17 है 1 से लेकर 17 उनका टोटल मार्क्स मैथ्स का इतना है, ठीक है. तो क्या बोल रहे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो आपको सम निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का, ठीक है. तो देखो आपको एस 7 दे रखा 49 और आपको एस 17 दे रखा 289, ठीक है. पहले में फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है और इसमें फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है. अब एस एन का फॉर्मूला होता क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए एन माइनस वन डी. तो एन कितना है यहाँ पे, 7 टर्म्स का बोला तो एन के बदले 7, तो एस 7, तो जहाँ जहाँ एन वहाँ पे रखोगे 7 अपॉन टू, टू ए हमें पता नहीं, तो ए ऐसे प्लस एन के बदले 7 माइनस 1 और डी भी हमारे लिए अननोन है, ठीक है. एस 7 की वैल्यू कितनी रहेगी, 7 टर्म्स का सम कितना देगा 49, तो यहाँ पे 49 इक्वल टू 7 बाई टू, ये होगा 2a और 7 माइनस 1 6, 6 इंटू डी 60. इस 7 से ये 49 कैंसिल कितना 7 टाइम्स, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 यहाँ पर चाहिए आपका 2a प्लस 60, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 60. यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में ए प्लस 3d, ठीक है, इधर बचेगा 14, और जो 2 कॉमन लिया उस 2 से कैंसिल जाएगा 14 7 टाइम्स, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हो गया आपकी इक्वेशन 1. ऐसे ही एस 17 इक्वल टू कितना देखा आपको 289, तो एस 17 एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए एन माइनस 1 टी, तो एस एन के बदले 17 इक्वल टू एन के बदले 17 बाई टू टू ए हमें पता नहीं है तो अननोन, प्लस एन 17 है माइनस 1 और डी भी हमारे लिखे अननोन. 17 से कैंसिल हो जाएगा 289 17 टाइम्स, और ये 2 यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 इंटू 2 इक्वल टू 2a और 17 माइनस 1 16, 16 इंटू डी 16d, ठीक है. और यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 8d इंटू 2, उस 2 से ये 34 कैंसिल, आपका बचेगा ए प्लस 8d इक्वल टू 17, ये हो गया आपका इक्वेशन 2. नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए प्लस 3d इक्वल टू 7 और ए प्लस 8d इक्वल टू 17. साइन चेंज करें, ए से ए कैंसिल, प्लस का 3 और माइनस का 8d आपको देगा माइनस का 5d, प्लस का 7 और माइनस का 17 आपको देगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से ये 10 कैंसिल, डी देगा आपको 2. अब फिर डी की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में. नाउ पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. मैं क्वेश्चन 1 में रख रहा हूँ, तो हमारी क्वेश्चन 1 थी ए प्लस 3d इक्वल टू 7, तो ए प्लस 3 और डी के बदले 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, ए कितना हो गया 6, उधर आके हो जाएगा माइनस का 7 माइनस 6, ए देगा आपको 1, तो ए आ गया हमारा फर्स्ट टर्म 1. अब उन्होंने पूछा था हमसे सम एन टर्म्स का, ठीक है, तो जहाँ जहाँ एन होगा आपको आपको एन के बदले एन ही रखना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स होगा एस एन एन के बदले एन इक्वल टू एन बाई टू, जहाँ एन था वहाँ पे एन ही अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एन के बदले एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए के बदले 1 प्लस एन के बदले एन माइनस 1 और डी हमारा कितना था 2, एन ऐसे रहेगा अपॉन टू ऐसे, टू इंटू वन टू प्लस टू इंटू एन टू एन, फिर टू इंटू माइनस 1 माइनस 2, इस माइनस 2 से 2 कैंसिल एन बाई टू और यहाँ बचेगा 2n, ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, अंदर बचा n, बाहर भी बचा n, तो n इंटू एन एन स्क्वायर, तो सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर, ठीक है, तो n टर्म्स का जो सम आया वो क्या है हमारा n स्क्वायर.